तो आज हम शुरू करने वाले अपना बेहद इंपॉर्टेंट यू नो नीट का रिवीजन फॉर नीट 2020. अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज ईच एंड एवरी चैप्टर इन अ वन शॉट रिवीजन इन अ न्यू सीरीज विच इज लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज फॉर नीट एग्जाम. जैसे कि ये सीरीज बच्चों मैंने 12 बोर्ड्स के लिए भी ली थी बच्चों के लिए एंड दे जस्ट लव दिस सीरीज, सो व्हाई नॉट फॉर नीट 2020 स्टूडेंट्स. सो यस, एक दिन हम करेंगे पूरा चैप्टर का रिवीजन, नेक्स्ट डे होगा बच्चों कंप्लीट उसका टेस्ट. राइट बच्चों, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर नीट 2020. सो वन डे कंप्लीट रिवीजन, नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू डू अ कंप्लीट टेस्ट एंड दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट ऑन मेंटिक्विज. सो लेट अस स्टार्ट बच्चों एनिमल किंगडम क्विक रिवीजन. उसी के साथ साथ बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आट दिस अमेजिंग चैनल. अगर आपको लगता है बच्चों यू नो एट दिस टाइम यू डोंट हैव कोचिंग, सो दिस इज द बेस्ट चैनल दैट यू कैन सब्सक्राइब टू, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम एक बिल्कुल एक पैटर्न फॉलो करते हैं टीचिंग का, ठीक है. एक पर्टिकुलर आपको पूरा स्केड्यूल हमने दिया था स्ट्रैटेजीज में, वही आज से स्केड्यूल शुरू हो रहा है. तो आज जैसे हमने एनिमल किंगडम किया, कल हम उसका टेस्ट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, फिर उसका टेस्ट करेंगे. दिस इज हाउ द रिविजन विल गो. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर अमेजिंग चैनल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल फैमिली. उसी के साथ बच्चों वी हैव आर टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, जहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के ही अच्छे खासे रिमाइंडर्स मिलेंगे, बहुत बार मिलेंगे. तो इसे क्विकली ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ वी नीट ऑफिशियल. एंड दिस इज अ क्रैश कोर्स. जो बच्चे नए हैं, जिन्हें लगता है कि हम रिविजन खुद से नहीं कर पाते, तो उनके लिए तो बेस्ट क्रैश कोर्स है बच्चों, जो 14th जुलाई से शुरू हो रहा है. इट इज अ फ्रेश बैच विच इज स्टार्टिंग एंड इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ाएंगे टीचर्स लाइव क्लासेस में. बायो में बॉटनी जूलॉजी की क्लासेस भी अलग से होंगी. सो बेसिकली आपकी 4 क्लासेस पर डे होगी टू कम्प्लीट योर एंटायर सिलेबस. And this is a link given in the description box, बच्चों. आप GA NEET code use कर सकते हैं, 3499 pay कर सकते हैं to get this amazing crash course. And this is Vedantu Pro subscription. Those who are preparing for 21 and 22, बच्चों, आपको बहुत सारे live classes चाहिए, test series चाहिए, assignment and notes चाहिए. You will get everything only on one destination, that is vdnt.in/ytpro. How? You can go for this. How to avail the subscription? If you want to prepare just for CBSE 11, we have a course. If you want to prepare for CBSE 12, we have a course. If you want to prepare for NEET and CBSE, we have different courses. So it depends on you that how you want to prepare this, right? And if you join for only 1 month, you have to pay 7,000. But if you are looking for 12-month subscription, then you have to pay only 2650 rupees per month. So 12 months is better as compared to 1 month. And what all you will be getting, bachcho, structured long-term courses you will get, all chapter-wise micro-courses you can avail, kisi bhi teacher se par sakte ho, kisi bhi time pe par sakte ho, test series mein aap bhagidar ban sakte ho, assignments aapko bhar bhar ke milenge, regular performance report milegi, which is very helpful for your analysis. नेक्स्ट बच्चो, दिस इज हाउ यू कैन अवेल द सब्सक्रिप्शन. ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. GA Pro आपको कोड यूज करना है टू अवेल योर 15% डिस्काउंट. एंड दिस इज द स्केड्यूल ऑफ द डे बच्चो, आप लोग के लिए 2020 के लिए मैं सुबह भी वन शॉट रिविजन ले ही रही हूँ. फिर हमारे 10:30 पे जो नए बच्चे हैं उनका बैच है बच्चो, 12:30 पे यू हैव योर फिजिक्स क्लास, 1:30 पे अगेन यू हैव फिजिक्स क्लास, देन यू हैव केमिस्ट्री क्लास एट 7:30 एंड 9:15. And done. तो चलो बच्चों, let's start. आज साक्षी का happy birthday है. अरे happy birthday, oh मेरा happy birthday, oh है ना. चलो, तो आज साक्षी का happy birthday. Happy birthday साक्षी. May God bless you. And now we will start with this amazing chapter बच्चों. How to quickly revise this animal kingdom chapter. तो मुझे लगा ये chapter बेहद बड़ा है. And it needs a quick revision. So let's do it. ठीक है बच्चों. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जोश बिल्कुल हाई रहना चाहिए बच्चे, मुझे चैट बॉक्स में बिल्कुल एक्टिव लगने चाहिए. ठीक है, बॉटनी भी होगी बच्चों, डोंट वरी अबाउट द बॉटनी सेक्शन ऑल्सो, वो भी होगा, कुछ नहीं छूटेगा. तो अभी पढ़ लो फटाफट से. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें जो बेहद इंपॉर्टेंट है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड. तो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. एंड इन्हीं बेसिस पे हमने अपने सारे एनिमल्स को, अपने सारे भाई बंधुओं को, ठीक है, डिवाइड किया. कितने फाइलम्स में बच्चों, 11 फाइलम्स में डिवाइड किया है, जिसमें जो सबसे प्यारे वाले, जो सिंपलेस्ट वाले, दे आर पॉरीफेरेंस. उसके बाद आते हैं सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्करमिंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनो, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट्स.
तो ये बेसिकली हमारे 11 फाइलम्स हैं जो बच्चों हमको पढ़ने हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया में, कि कैसे पूरा चैप्टर डिवाइड किया हुआ है एनसीईआरटी ने। तो फर्स्ट पार्ट में एनसीईआरटी ने बताया हमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं फिर से एक बार बच्चों को बता दूं कि इस वाले टॉपिक से बच्चों एक क्वेश्चन बनता है बॉस, एक क्वेश्चन बनता है इस वाले पोर्शन से, क्योंकि जैसे आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखो, सेगमेंटेशन का क्वेश्चन इसी सेगमेंट से आया था। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर है सिमेट्री, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिलोम, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। तो अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो सेलुलर होती है, टिश्यू लेवल, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री की बात करें तो एसिमेट्री, रेडियल, बायलेटरल सिमेट्री। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोम कैन बी ट्रू सिलोम, इट कैन बी फॉल्स सिलोम, इट कैन बी नो सिलोम। सेगमेंटेशन आइदर प्रेजेंट और एब्सेंट। नोटोकॉर्ड आइदर प्रेजेंट और एब्सेंट, राइट बच्चो। नाउ नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इफ वी सी द एग्जाम्पल बच्चों, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शोज डिविजन ऑफ लेबर, ट्रू और फॉल्स, एवरीबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स। अगर क्वेश्चन आता है बच्चों नीट के एग्जाम में कि जो हमारे सेलुलर लेवल वाले होते हैं, हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, क्या उनमें डिविजन ऑफ लेबर होता है, येस और नो? फॉल्स, एब्सोल्यूटली मोनिका, इट इज फॉल्स बच्चों। सो दीज आर द एनिमल्स विच डू नॉट शो डिविजन ऑफ लेबर, राइट बच्चो? एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज स्पॉन्जेस, एग्जाम्पल ऑफ दिस इज स्पॉन्जेस, राइट। नाउ द सेकेंड इज टिश्यू लेवल। यहाँ पे अगर हम कंपेरिजन करें सेलुलर लेवल से, तो डिविजन ऑफ लेबर हैज बीन इंक्रीज, यहाँ पे डिविजन ऑफ लेबर इंक्रीज हो जाता है बच्चों। एंड द एग्जाम्पल इज निडेरियंस एंड टीनोफोरा। वट आर द एग्जाम्पल बच्चो? निडेरियंस एंड टीनोफोरा। देन वी हैव ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज प्लैटीहेलमिंथस, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स। इन और क्या कहते हैं बच्चों? फ्लैट वर्म्स। देन वी हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल विच स्टार्ट फ्रॉम एस्कलमिंथस। कहाँ से स्टार्ट होता है? एस्कलमिंथस से स्टार्ट होता है, टिल कॉर्डेट्स। तो यानी कि एस्कलमिंथस से लेके कॉर्डेट्स तक में अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, सो दैट विल बी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट बच्चो? नाउ नेक्स्ट सिमेट्री। नाउ सिमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी सिमेट्री आती है तो बच्चों आपको याद रखना, वी हैव गॉट थ्री टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स, लाइक वन जैसे कि हम हैं, ठीक है, दूसरा जो सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल दिखे, तीसरा जिसका कोई शेप ही ना हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने सिमेट्री को डिवाइड किया है, एक होता है सिमेट्रिकल एनिमल्स, दूसरे होते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स, ठीक है। एसिमेट्रिकल एनिमल्स वो है जिनकी बॉडी को, यहाँ पे देखो, अगर ऐसे कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, ऐसे करेंगे तो दो इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, किसी भी प्लेन पे कट करो आपको कभी भी दो आइडेंटिकल हाफ्स नहीं मिलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज एसिमेट्री। नाउ वी हैव सिमेट्रिकल एनिमल्स। सिमेट्रिकल एनिमल्स में वी हैव रेडियल सिमेट्री एंड वी हैव बायलेटरल सिमेट्री। याद रखना बायलेटरल सिमेट्री में अपन लोग आते हैं, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इसी प्लेन पे कट होंगे तो दो इक्वल हाफ्स में प्रोड्यूस होंगे। बट रेडियल सिमेट्री में अगर हम इसी को देखें, सिलेंड्रिकल शेप है बॉडी का, तो ऐसे कट करो दो इक्वल हाफ, ऐसे कट करो दो इक्वल हाफ, ऐसे कट करो दो इक्वल हाफ, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होंगे? इक्वल हाफ प्रोड्यूस होंगे। सो दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये थोड़ा मच्छर, मक्खी, कीड़ा जैसा दिख रहा है, ठीक है, बीटल है बेसिकली। तो बीटल में आपको कौन सी सिमेट्री दिख रही है बच्चों? बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। यहीं पे आप देख सकते हैं हाइड्रा आपको दिया है, हाइड्रो का शेप सिलेंड्रिकल है, तो इसमें कौन सी सिमेट्री दिख रही है? रेडियल सिमेट्री। ये स्पॉन्जेस है, इनकी कोई शेप नहीं है बच्चों, तो इसलिए क्या दिख रहा है? नो सिमेट्री। तो इस तरीके से वी हैव थ्री टाइप ऑफ सिमेट्री। सो बायलेटरल सिमेट्री स्टार्ट्स फ्रॉम प्लैटीहेलमिंथस। प्लैटीहेलमिंथस से स्टार्ट होके कॉर्डेट्स तक होती है, बट एक एक्सेप्शन भी है। एनीबडी हु कैन टेल मी द एक्सेप्शन इन द चैट बॉक्स? यस बच्चों, इसका एक्सेप्शन क्या है? एडल्ट काइनोडर्म्स। नीट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज एडल्ट इकाइनोडर्म्स, क्योंकि इनके अंदर होती है रेडियल सिमेट्री। तो ये हो जाता है इसका एक्सेप्शन। जबकि रेडियल सिमेट्री अगर हम देखें तो किन में मिलती है? हमें सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में,
एंड एडल्ट इकाइनोडर्म्स में, जबकि लार्वा इकाइनोडर्म्स में कौन सी होती है बच्चों? बाइलेटरल सिमेट्री। नीट का एक सबसे उमदा सवाल है बच्चों, तो इसलिए फटाफट से लिख लो अपने नोटबुक्स में। नाउ वी हैव बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों हमको पढ़ना अबाउट जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स क्या होती है, पहले तो वर्ड को समझते हैं। जर्म लेयर्स वो होती है जो आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स को गिव राइज करती है, ठीक है, यस, यानी बनाती है। तो हमारे पास जनरली तीन तरह की जर्म लेयर्स होती है, बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म। तो इन तीनों जर्म लेयर्स को हम कहते हैं क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो जिन एनिमल्स के पास ये तीनों जर्म लेयर्स होती है उन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं, जबकि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, डिप्लो मीन्स टू, तो यानी सिर्फ इनके पास दो जर्म लेयर्स होती हैं। तो यहाँ इनके पास एक बाहर वाली एक्टोडर्म होगी, अंदर वाली एंडोडर्म होगी। तो बच्चों फिर बीच में क्या होगा, बीच में होगा यहाँ पे मेसोग्लिया। क्या होगा बच्चों? मेसोग्लिया। मेसोग्लिया एक तरह का म्यूकस, थोड़ा चिपचिपा जेली लाइक लेयर होता है जो प्रेजेंट होता है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हमारे स्टार्ट होते हैं पॉरीफेरा से, फिर जाते हैं बच्चों कहाँ पे, सिलेंट्रेटा में, फिर कहाँ पे जाते हैं, ये टीनोफोरा में। सिर्फ तीन ही ऐसे फाइलम हैं जो डिप्लोब्लास्टिक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स यानी जिनके पास एक्टो भी है, मीजो भी है, एंडो भी है, ये तीनों एनिमल्स आपको कहाँ से मिलते हैं? प्लैटीटिल कॉर्डेट्स। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं बच्चों किसके, आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के। नाउ नेक्स्ट इज अ सीलोम। सबसे पहले समझते हैं कि सीलोम होती क्या है, ये सीलोम किस चिड़िया का नाम है। सीलोम इज कॉल्ड एज बच्चों बॉडी कैविटी। अब आप कहेंगे कि जी हमें बॉडी कैविटी क्यों चाहिए, है ना, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन उछलते रहते दिमाग में कि अब बॉडी कैविटी क्यों चाहिए। कैविटी हमेशा हमें इसलिए चाहिए होती है, खाली जगह रूम में क्यों चाहिए, सामान रखने के लिए ना, बताओ बात सही है या नहीं है। अगर खाली जगह होगी कमरे में तभी तो नया सामान रखोगे, ऐसे ही बच्चों बॉडी कैविटी है। बॉडी कैविटी होती है तो उसके कारण आपकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्गन्स। तो बेसिकली बॉडी कैविटी वो जगह देती है टू अकोमोडेट ऑल द बॉडी ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, लाइक स्टमक, लाइक ईसोफेगस, सारे के सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे इन दिस बॉडी कैविटी। और ये बॉडी कैविटी किससे लाइंड होती है, मेसोडर्म से। किससे लाइंड होती है बच्चों, मेसोडर्म से लाइंड होती है। सो वी हैव थ्री टाइप ऑफ सीलोम हियर, वन इज कॉल्ड ए सिलोमेट एज यू कैन सी इन द डायग्राम, देन यू हैव स्यूडो सिलोमेट्स एंड यू हैव सिलोमेट। अगर तीनों डायग्राम्स को हम कंपेयर करें तो इस वाले डायग्राम में तो कैविटी ही नहीं है। यस बच्चों, देयर इज नो कैविटी सीन। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैम ये बीच में क्या है फिर, व्हाट इज दिस, यहाँ पे जिन बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, बच्चों ये कैविटी नहीं है बॉडी कैविटी, रादर इट इज अ ल्यूमेन, ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे खाना प्रेजेंट है बेसिकली, ठीक है। जब एक्टो, मीजो, एंडो, जब तीनों आपस में चिपकी होंगी अच्छे से, सो दैट इज कॉल्ड अ नो कैविटी स्टेज एंड दिस फॉर्म्स अ सिलोमेट स्टेज व्हिच इज फाउंड इन फ्लैट वर्म्स प्लैटी हेलमिंथस। फिर आते हैं स्यूडो सीलोम। स्यूडो का मतलब फॉल्स सीलोम, मतलब दिख तो रही है सीलोम बट एक्चुअली में वो सीलोम नहीं है। सो दिस इज अ केस वेयर यू कैन फाइंड पाउचेस ऑफ मेसोडर्म। क्या मिलते हैं बच्चों, पाउचेस ऑफ मेसोडर्म बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इन पाउचेस को हम क्या कहते हैं, द मेसोडर्मल पाउचेस प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एंड दे आर ओनली फाउंड इन राउंड वर्म्स और एस्कलमिंथस। सिर्फ किस में मिलते हैं बच्चों, राउंड वर्म्स या एस्कलमिंथस में मिलते हैं। देन यू हैव सिलोमेट। अब ये सिलोमेट क्या होते हैं बच्चों, सिलोमेट्स आर बेसिकली ट्रू एनिमल्स, ट्रू सिलोमिक एनिमल्स। तो यहाँ पे शुरू होते हैं हम एनालिडा से और खत्म होते हैं हम कॉर्डेट्स पे। तो एनालिडा से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी एनिमल्स है वो सबके सब ट्रू सिलोमेट्स होंगे। क्यों? क्योंकि जो इनकी कैविटी है, ये जो कैविटी है ये दोनों साइड से किससे लाइंड है बच्चों, मेसोडर्म से। बाहर की साइड भी मीजो है कैविटी के, अंदर की साइड भी मीजो है कैविटी के, राइट बच्चों? सो दिस कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ द साइड्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रू सीलोम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रू सीलोम, राइट। नेक्स्ट बच्चों सेगमेंटेशन। नाउ कमिंग टू द सेगमेंटेशन व्हिच वाज ऑलरेडी अ क्वेश्चन इन द नीट एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दिख रहा है आपको सेगमेंटेशन। तो बच्चों देखो एक चीज ना, तो मैं लाइफ का एक फंडा बताती हूँ, बहुत ही प्यारा फंडा है।
जो लोग बाहर से जैसे दिखते हैं अंदर से भी जब वो वैसे ही होते हैं उसे कहते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। दिस इज अ फंडा ऑफ द लाइफ। जो लोग बाहर से जैसे दिख रहे हैं वैसे अगर वो अंदर से भी हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रू सेगमेंटेशन। सो हियर यू कैन सी इसकी बॉडी के बाहर बहुत सारे आपको सेगमेंट दिख रहे हैं, छोटे छोटे छोटे। अगर हम इस बॉडी को भी ओपन करेंगे तो ये सेम नंबर ऑफ सेगमेंट्स बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। सो सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस जिसमें जितने बाहर सेगमेंट उतने ही अंदर सेगमेंट भी होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन और ट्रू सेगमेंटेशन। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स भी होना चाहिए। रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स मीन्स जैसे कि हमें वर्टिब्री रिपीटेड होती है, फैलेंजेस हो गई, तो ये सारे क्या है, रिपीटेशन है। सो इसके एग्जांपल क्या है बच्चों, एनलेटा। द सेकंड एग्जांपल ऑफ सेगमेंटेशन इज आर्थ्रोपोडा एंड द थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस इज कॉडेटा। सो ये तीनों फाइलम ऐसे है जिसमें आपको क्या देखने को मिलती है, सेगमेंटेशन, जिसमें दो चीजें मिलती है, बाहर के सेगमेंट correspond to internal segment and the second thing that you see here is the repetition of at least some organ, right bachcho? Chalo next, notochord. Now notochord is mesodermal in origin. What is origin bachcho? Mesodermal. जिसके पास notochord है उसे chordate बोलते हैं, जिसके पास notochord नहीं है उन्हें non-chordates बोलते हैं। It is so simple. तो जिसके पास chordate notochord है वो chordates, जिसके पास नहीं है वो non-chordates. नोटोकॉर्ड से क्या बनता है बच्चों? नोटोकॉर्ड से बनता है वर्टिब्रल कॉलम। क्या बनता है बच्चों? वर्टिब्रल कॉलम। सो ये वर्टिब्रल कॉलम किसको सपोर्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को। तो जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाई होता है उन एनिमल्स को कहते हैं वर्टिब्रेटा। क्या बोलते हैं बच्चों उन एनिमल्स को? वर्टिब्रेटा। सो जिन एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है फ्रॉम नोटोकॉर्ड उनको बोलते हैं हम वर्टिब्रेटा और वर्टिब्रेट्स। ठीक है बच्चों? Now cartilaginous skeleton rod supporting the body in all embryonic and some adult chordate is called notochord. Right बच्चों? And ये सिर्फ किस में present होगी? Chordates में, only in chordates, not in non-chordates. ठीक है? Yes. Now classification of animals. So here this chart is given in NCERT. Right बच्चों? ये chart पूरा NCERT ने दिया हुआ है. So यहाँ पे आप देख सकते हैं all animals are multicellular. Right साक्षी? राइट मुर्शीद, प्राची, सौम्या, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं एनिमल किंगडम के वो सब मल्टी सेलुलर है विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है बॉस। देन सेलुलर लेवल, दिस सेलुलर लेवल इज फाउंड इन पॉरीफेरा ओनली व्हाइल टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम फाउंड इन ऑल अदर फाइलम्स। रेडियल सिमेट्री यू फाइंड इन ओनली इन सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, जबकि बायलेटरल सिमेट्री स्टार्ट्स फ्रॉम प्लैटी, एस्किल एंटिल, कॉडेट्स। Without coelom, you have platy. Pseudo coelom, you have ascalminthus. True coelom starts from annelida till chordates. तो ये है आपका complete classification of animals. Right बच्चों? Pallavi, Ekansh, Manan. Next. So this is our entire chart. Now बच्चों ये chart इतना rocking chart है ना, इससे आपके बहुत सारी चीजें clear होने वाली है बच्चों. So let's see this chart. सब तैयार है? How's it Josh बच्चों? प्रेरणा? Yes Neha. तो चलो इस चार्ट को पढ़ते हैं आज। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, पैराजोआ, यू मेटाजोआ। तो जो बच्चे एनिमल किंगडम में नीट प्लस सोच रहे हैं उनके लिए परफेक्ट है। ठीक है, पैराजोआ, पैरा मतलब प्रिमिटिव, यू मतलब ट्रू, मतलब पुराने एनिमल्स का एग्जाम्पल है पॉरीफेरा। जो सच्चे एनिमल्स है वो बाकी सब शुरू हो जाते हैं आफ्टर पॉरीफेरा। यू मेटाजोआ में जो एनिमल्स नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेल्मिंथस, सो दे ऑल आर एसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोम में आता है आपका निमाटोडा यानी एस्कलमिंथस। सिलोमेट में अगर मेसोडर्मल फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल सेल ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, एनलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। सिलोम फॉर्म फ्रॉम पाउचेस ऑफ एंडोडर्म, दे आर बेसिकली कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। नो कॉर्डेट, नो नोटोकॉर्ड में कौन सा आएगा बच्चों? नो फेरेंजियल गिल्सलेट्स, फेरेंजियल गिल्सलेट्स, एकाइनोडर्मेटा, हेमिक कॉर्डेटा। तो इस तरीके से यू कैन कंप्लीट दिस चार्ट बच्चों। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, है ना, इसे जूम करना चाहिए ना, मुझे भी यही लग रहा है, थोड़ा छोटा हो गया इसका साइज। यस बेटा, मेंटी क्विज कल होगा, आज हम पूरा चैप्टर का रिवीजन करेंगे, कल आप आ सकते हैं फॉर कंप्लीट मेंटी क्विज। ठीक है, नाउ ग्नाथोस्ट्रोमेटा बच्चों, ग्नाथोस्ट्रोमेटा क्या होते हैं? द एनिमल्स विद ट्रू
एनिमल्स विद ट्रू जॉज आर कॉल्ड एज गनाथोस्टोमेटा. तो यहाँ पे हमारे एक्सोस्केलेटन पाइसेस आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एप्स आते हैं और मैमल्स आते हैं. तो जिनके पास बच्चों जबड़ा होता है यानी जॉज होते हैं उसे क्या बोलते हैं, गनाथोस्टोमेटा. Now moving to the first phylum, बच्चों ये पूरे quick notes से आपको PDF भी मिलेगा. यहाँ पे मैंने वही वही points उठाए हैं जो आपके लिए most important है from this and the questions have already come from these points. So let's have a quick revision of this part, right बच्चों? तो चलो let's start. First, Porifera, marine, यानी कि इन्हें समुद्री पानी में रहना पसंद है. Asymmetrical, कैसे भी काटो कभी दो identical halves नहीं मिलने वाले. बहुत ही सिंपल होते हैं तो इसलिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. इनके पास होता है वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर केनाल सिस्टम. इस सिस्टम का क्या क्या काम होता है बच्चों? इस सिस्टम का काम होता है खाना लेकर आना यानी फूड लेकर आना, ऑक्सीजन लेके आना, ठीक है, और स्पर्म्स लेके आना. सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन. एट द सेम टाइम बच्चों यहाँ से बाहर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट. तो ये सारे काम किसके होते हैं, वाटर केनाल सिस्टम के. नाउ वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स. अब हमें देखना है कि पानी बॉडी में अंदर कहाँ से आता है. तो अगर आप देखेंगे तो मान लो कि एक स्पॉन्ज है, इसके पास बड़े 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 सारे क्या है, छोटे 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 ओपनिंग्स हैं. हर ओपनिंग को क्या बोलेंगे बच्चों, ऑस्टिया. और ये सारा पानी जितना भी बॉडी के अंदर गया, यू कैन सी द वॉटर इज इन साइड, ये सारा पानी इस कॉमन ओपनिंग से बाहर निकलेगा जिसे हम कहेंगे ऑस्क्यूलम. तो ऑस्क्यूलम वन होता है जबकि ऑस्टिया मेनी होता है. न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय पाथवे वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो ये सारा काम कौन करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. Now here you can see बच्चों the photo of the water canal system and we have one more very peculiar cells which are called as quanocytes. अब पहला सवाल मेरे बच्चों के लिए, quanocytes body के बाहर present होते हैं body के अंदर? Let me see who is going to tell me the answer first in the chat box. Yes बच्चों, tell me. बाहर प्रेजेंट होता है या अंदर प्रेजेंट होता है? अंदर, इनसाइड, एब्सोल्यूटली. सो क्वानोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज कॉलर सेल्स. इन्हें कॉलर सेल्स भी कहते हैं बच्चों. एंड द मेजर फंक्शन ऑफ दीज सेल्स इन डाइजेशन, दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. एंड इनके पास फ्लैजेला होता है. फ्लैजेला हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट्स. ये बॉडी के अंदर वाटर करंट एंड फ्लो को मेंटेन करते हैं. दीज सेल्स आर कॉल्ड क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल्स, राइट? Now we skeleton made up of spicules and spongin fiber. तो आप देख सकते हैं इनकी body के बाहर बड़े सारे कांटे जैसे structures होते हैं. उन कांटे जैसे structures को हम spicules कहते हैं. Egg and sperms. So they are hermaphrodite in animals. Means एक ही body में male female दोनों मिलेंगे. And they show asexual reproduction by fragmentation. यानी body टूटेगी तो नया sponge बन जाएगा. And at the same time they also show sexual reproduction. Fertilization is internal. क्योंकि sperm body के अंदर आ रहा है तो यहाँ पे किस तरह की fertilization होगी बच्चों, internal fertilization. जबकि development क्या होती है, indirect. Indirect development का मतलब है it would be including larval stages. Now the example. Example is cycon and spongula. Next we have बच्चों Cylentrata. How beautiful these animals are you can see on the board. They are very beautiful. First of all they are aquatic. मोस्टली मरी यानी इन्हें समुद्री पानी में रहना बेहद पसंद है. सिसाई मतलब कि ये वहीं पे चिपके रहते हैं, जहां चिपक गए अब बस अब नहीं हिलेंगे, ठीक है. फ्री स्विमिंग, कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें तैरना पसंद है जिंदगी में. रेडियली सिमेट्रिकल मीन्स दे कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हाफ्स. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर डिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट विद सिंगल ओपनिंग एंड द ओपनिंग इज प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम. The opening is present on hypostome. Two body body shape called polyp and medusa. तो medusa कैसी होती है बच्चों, umbrella shape इस तरीके से. और polyp कैसी होती है बच्चों, cylindrical shape कुछ इस तरीके से. जिसमें medusa होता है sexual reproducing, जिसमें polyp होता है asexual reproducing. ठीक है बच्चों. And polyp का शेप कैसे, cylindrical and this is sessile. मतलब कि जहां एक बार लग गया तो लग गया, उसके बाद अब वो नहीं स्विम करेगा. जबकि medusa as you can see it is free swimming बच्चों, right? Next, polyp is sessile, fixed, cylindrical without gonads. Example hydra and adamsia. Adamsia को बच्चों और क्या बोलते हैं, metridium, sea anemone, right?
जबकि मेड्यूसा जो है आपका फ्री स्विमिंग है, अम्ब्रेला लाइक होता है. एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज ओरेलिया एंड जेलीफिश. ओरेलिया और जेलीफिश एक ही चीज है बच्चों, एंड नहीं आएगा. ओरेलिया एंड जेलीफिश इज द सेम थिंग. नाउ सम निडेरियंस एग्जिबिट बोथ द फॉर्म्स एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस. तो जब बच्चों पॉलिप से मेड्यूसा बने, मेड्यूसा से पॉलिप बने, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, मेटाजेनेसिस बोलते हैं. ठीक है, सो पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली, मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस. राइट, टीनोफोरा, द नेक्स्ट फाइलम वी हैव इज टीनोफोरा. They are also called as comb jellies or sea walnut. देखो बच्चों एक ट्रिक बताती हूँ इस एनिमल को याद करने की. The best trick to remember this animal is कि आपको याद रखना है आमला. मुझे लगता है आमला सब खा रहे होंगे, ये तो सीजन भी है बच्चों आमला खाने का. विटामिन सी मिलता है, विटामिन सी से इम्यूनिटी मिलती है, और इस समय कुछ चाहिए तो इम्यूनिटी चाहिए. राइट बॉस, सो कॉम जेलीज और सी वॉलनट कहते हैं, बिल्कुल आमला की तरह दिखता है. ये देखो, ये दिख रहा है आपको, बहुत सुंदर एनिमल्स होते हैं. दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन. ये आया एक नीट बॉम्बर बच्चों. ये यहाँ पे मैं स्टार लगा रही हूँ, इस स्टार को बहुत इंपॉर्टेंस है इस स्टार का, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है. एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब क्या होगा, कि इन्हें सिर्फ समुद्री पानी में रहना पसंद है, इन्हें किसी और पानी में रहना पसंद नहीं है. दे आर डिप्लोब्लास्टिक, रेडियली सिमेट्रिकल, विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, बॉडी बियर्स 8 सिलेटेड कॉम्ब प्लेट्स. तो अगर आप देखें बॉडी के पास आमला की तरह 8 कलर की व्हाइट स्ट्रिप्स होंगी, और हर स्ट्रिप के ऊपर क्या होगा, सीलिया होगा, एंड दिस सीलिया हेल्प्स इन लोकोमोशन. हर एक एनिमल, हर एक मेंबर टीनोफोरा का बायोल्यूमिनिसेंट होता है, यानी कि इट एमिट्स लाइट एट द नाइट. दे आर हर्मोफ्रोडाइट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट एग्जाम, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मीन्स इट ऑल्सो इन्वॉल्व लार्वल स्टेजेस. और लार्वा का नाम क्या बच्चों, सिडिपीड. वट इज द नेम ऑफ लार्वा, सिडिपीड लार्वा. एन एग्जाम्पल टीनो प्लेना एंड प्लूरो ब्रैकिया, दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ टीनो फोरा. नेक्स्ट बच्चों प्लैटीहेल्मिंथस, प्लैटीहेल्मिंथस और क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लैट वर्म्स बोलते हैं. और क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लैट वर्म्स. सो दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड, ऐसे चपाट. कैसे होते बच्चों, ऐसे चपाट. ठीक है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ हुक्स एंड सकर्स, हुक्स एंड सकर्स के बीच में कौन डिफरेंस बताएगा बच्चों. अगर हुक्स की बात करें तो हुक्स का काम है सिर्फ अटैचमेंट. ठीक है, बिल्कुल. बट सकर का काम है अटैचमेंट एंड टू सक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट. तो यानी न्यूट्रिशन भी देगा और वहां पे बिल्कुल अच्छे से एडहेशन का काम भी करेगा, दैट इज सकर. एंड दीज आर द मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म. तो पैरासाइट्स आपको पता है आपका खून चूस लेते हैं बच्चों, तो उसके लिए भगवान ने उन्हें चीजें भी दिया, हथियार भी दिए. फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एंड दे आर हर्माफ्रोडाइट्स. एग्जाम्पल इज टीना प्लेनेरिया एंड फासियोला. प्लेनेरिया, यू कैन सी हियर बच्चों, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया इज बेसिकली एन एनिमल विच शोज ट्रू रीजनरेशन. यस, इट शोज ट्रू रीजनरेशन, यानी इसके कितने भी हिस्से काट दो, हर एक हिस्सा किस में बन जाएगा बच्चों, एक नए एडल्ट में बन जाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट बच्चों क्या है, एस्करमिंथस. तो एक बच्चा कह रहे, साक्षी कह रही है, प्रियंका चोपड़ा ट्रिक फॉर टीनोफोरा. तो बच्चों साक्षी ने आज हमें बताया कि प्रियंका चोपड़ा याद कर लेना अगर आपको टीनो फोरा याद करना है ना. क्या बात है साक्षी, क्या बात है. एस्करमिंथस. नाउ एस्करमिंथस आर आल्सो कॉल्ड एज निमेटोड्स, आल्सो कॉल्ड एज बच्चों निमेटोड्स. ठीक है, नाउ फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक, कहीं पे भी हो सकते हैं ये. ठीक है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट. एलिमेंट्री केनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स. नाउ दिस पॉइंट इज अगेन अ 3-स्टार पॉइंट. आपसे नीट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले मस्कुलर फैरिंग्स किस फाइलम में बना था. तो बच्चों उसका आंसर क्या होगा आपका, क्या होगा उसका आंसर, योर एस्करमिंथस. नाउ दे आर डायोशियस, मींस यूनिसेक्सुअल, जिसमें महिला ज्यादा लंबी होती है एज कंपेयर टू पुरुष. ठीक है बच्चों, महिला ज्यादा लंबी होती है एज कंपेयर टू पुरुष. द एग्जाम्पल ऑफ दिस फाइलम आर एस्कैरिस, मुचेरिया,
एंड एनसाइलोस्टोमा. एनसाइलोस्टोमा पे एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन आता है, आपने बहुत सारे बुक्स में भी देखा होगा, टेस्ट सीरीज में भी देखा होगा, कि ऐसा कौन सा पैरासाइट है जो पेनिट्रेट करता है स्किन को टू एंटर योर ब्लड. सो जो पेनिट्रेट करता है स्किन को बच्चों, दैट इज योर एनसाइलोस्टोमा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हुकवर्म, ऑल्सो कॉल्ड एज बच्चों हुकवर्म, ठीक है. एनेलिडा, सो इफ यू टॉक अबाउट द एनेलिडा बच्चों, सो दे आर एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल, मतलब कि पानी में भी मिल सकते हैं, ये धरती पे भी मिल सकते हैं. वी नो दैट दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दे शो सेगमेंटेशन, थ्री स्टार, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट दे शो, सेगमेंटेशन फर्स्ट टाइम. एक्वेटिक फॉर्म का एग्जाम्पल है नेरीज, and they have what, parapodia, three star, क्योंकि last year का NEET का question था parapodia. Parapodia क्या है? Lateral appendages होते हैं. क्या होते हैं? Lateral appendages, जो दो चीजों में help करते हैं, एक तो respiration में और दूसरा swimming में. So ये important question. Now nephridia help in osmoregulation and excretion. जो काम प्लैटीहेलमिंथस में फ्लेम सेल करता है, वही काम नेफ्रीडिया एनालिडा में करता है, यानी ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. और हम में यही काम किडनीज करती है, राइट बच्चों. न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू फॉर्म अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. तो जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं, उन सब के पास डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है, ये बात दिमाग में डाल लो, ठीक है बच्चों. यस, नाउ डायोशियस यूनिसेक्सुअल का सिर्फ एग्जांपल नेरीस है, जबकि मोनोशियस बाइसेक्सुअल के एग्जांपल आपके अर्थवर्म एंड लीच. तो आपको यहाँ पे तीनों दिख सकते हैं, या आपको लीच है. बेटा ये ऐसे स्टंट्स नहीं करना, हाथ में नहीं लेने का, इस फोटो पे बिल्कुल नहीं जाने का, इसको हाथ पे नहीं लेने का, क्योंकि बच्चों अगर ये हाथ पे चिपक गई ना, फिर निकालती रह जाओगे, बड़ी तेज पकड़ होती है इसकी. फेरेटिमा अर्थवर्म, हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच. और ये जो ब्लड सकिंग लीच होती है, इनके जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, उसमें एक एंटीकोएगुलेंट होता है जिसका नाम है हिरुडिन. क्या नाम है बच्चों? हिरुडिन. सो दिस हिरुडिन एक्ट एज एंटीकोएगुलेंट. तो जब वो खून चूस रही होती है, तो वो खून क्लॉट ना कर जाए, तो इसलिए उसके सलाइवरी ग्लैंड्स हिरुडिन प्रोड्यूस करते रहते हैं, बिल्कुल. नेक्स्ट बच्चों, आर्थ्रोपोडा. आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम एंड दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम. आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी बच्चों, आपको क्यों लगता है कि आर्थ्रोपोडा हर जगह है? ऐसी क्या चीज है इनके पास जो बाकी के पास नहीं है और वो बेचारे भटकते रहते हैं, बताओ जरा. आज मुझे जानना है, जनता से मुझे जानना है. यस, आर्थ्रोपोडा अगर आप देखोगे हवा में, दो चार मक्खियां उड़ती हुई दिख जाएगी. आप जाओगे बाहर तो आपको दो चार कीड़े दिखते दिख जाएंगे, ठीक है. कहीं ना कहीं ये दिख ही जाते हैं बच्चों. कैसे? ऐसा क्या है इनके पास? क्या? एक्सोस्केलेटन. सत्यम, वेरी गुड. सो दे हैव गॉट द एक्सोस्केलेटन एंड दिस एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन. किससे बना होता है बच्चों? ये काइटिन से बना होता है. और काइटिन आपको पता है, अच्छा काइटिन से मुझे याद आया बच्चों, काइटिन कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, न्यूक्लिक एसिड था, लिपिड था. याद नहीं आ रहा मैम को, तुम लोग हेल्प कर दोगे थोड़ा सा? यस मैम को याद नहीं आ रहा कि काइटिन क्या था. यस, ऑल माय 1400 स्टूडेंट्स डू लेट मी नो व्हाट वाज अ काइटिन. यस सरफराज, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट. नैंची, वेरी गुड. गौरव, यस इट इज अ कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ नैम एंड नैक. वेरी इंपॉर्टेंट नैम एंड नैक, बिल्कुल सही बच्चों, एब्सोल्युटली. तो यहाँ पे आते हैं, लार्जेस्ट फाइलम है. ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट, बायलेटरल सिमेट्रिकल विद काइटिनस एक्सोस्केलेटन. इसी के साथ बच्चों मैं आपको एक ट्रिक और बताना चाहूंगी विच विल हेल्प यू आउट. आपको शाइजोसिलोम आपने जरूर सुना होगा, ठीक है. शाइजोसिलोम के एग्जाम्पल होते हैं एनालिडा फाइलम, फिर होता है आर्थ्रोपोडा फाइलम, और तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है मोलस्का, ठीक है. गर्मियों का मौसम है और फ्रूट का राजा कौन होता है? आम, ठीक है. तो यहाँ पे ये हो गया आम. एस से आपको याद रखना है स्वीट, ठीक है. तो आपको पता है जो आम होता है वो बेहद मीठा होता है बच्चों खाने पे, तो ये आपकी ट्रिक टू रिमेम्बर है. स्वीट आम, यानी शाइजोसिलोम किस किस में मिलेगी बच्चों? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का. इस चीज को याद रखना और भूलना मत, ठीक है. बॉडी कंसिस्ट ऑफ, अगर आपने कभी ध्यान से उड़ती हुई मक्खी को या
वहां पे बैठे हुए कॉकरोच को देखा है तो आपको जरूर पता होगा कि उसके पास एक ट्रायंगुलर हेड होता है बच्चों, ठीक है, जो इस तरीके से होता है बॉडी के। फिर उसका एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसे हम थॉरेक्स कहते हैं, फिर एक लंबा सा पोर्शन होता है कुछ इस तरीके से जिसे हम एब्डोमेन कहते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट्स, ऐसे आर्थ्रोपोड्स जिसमें बॉडी तीन हिस्सों में बटी होती है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोडा। बट कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें हेड और थॉरेक्स फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, हेड एंड थॉरेक्स फ्यूज हो जाते हैं, उन एनिमल्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं सिफेलोथॉरेक्स। क्या यूज करते हैं बच्चों, सिफेलोथॉरेक्स, जो हमें स्कॉर्पियन क्रस्टेशियंस में मिलता है, ठीक है। जॉइंटेड अपेंडेजेस, यानी कि कहां से इनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि हर नाली में घुस जाते हैं, हर नाली से बाहर निकल जाते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी आती है जॉइंटेड अपेंडेजेस से। और इनके बीच में क्या होता है बच्चों, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। क्या होती है बच्चों, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, यही मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें बच्चों, अगर पानी में रह रहे हैं तो ऑफकोर्स लंग्स तो नहीं होंगे ना, तो पानी में रह रहे तो गिल्स से करेंगे, ठीक है। बुक लंग्स किसके पास होते हैं, स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर, स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स, SS, ठीक है। ट्रेकियल सिस्टम सारे इंसेक्ट्स में होंगे बच्चों, सारे इंसेक्ट्स में, जितने भी उड़ने वाले हैं, जितने भी खतरनाक है, जितने भी आपको डर लगता है, सबके सब इंसेक्ट्स, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम विदाउट एनी एक्सेप्शन, इस पे तो बच्चों 3 स्टार लगाना पड़ेगा बॉस। ये देखो, ये मैम ने लगाया 3 स्टार बच्चों, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। आर्थ्रोपोडा में एक भी एनिमल ऐसा एक्सेप्शन नहीं है जिसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, सबके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब आते एक्सक्रीशन पे, तो जितने भी आपके पास इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स में एक्सक्रीशन होता है थ्रू मालफीजन टिब्यूल्स, और ये मालफीजन टिब्यूल्स 100 से 115 नंबर होती है, और ये प्रेजेंट होते हैं एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, राइट बच्चों। नाउ सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स में आते बच्चों एंटेना एंड आईज। एंटेना तो आपको पता है ऐसे 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 हमेशा मूव करते रहते हैं, देखो टक 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 टक, वो क्यों मूव करते रहते हैं, क्योंकि एंटेनास का काम है दो चीजें, वाइब्रेशन सेंस करना, यानी कि बच्चों आप तो बस मक्खी को मारने जा ही रहे थे कि ऐसे मारा और मक्खी उड़ गई, ठीक है, आप बस जा ही रहे थे मक्खी को मारने के लिए, मक्खी पहले ही उड़ गई, उसने वाइब्रेशन सेंस कर लिया आपकी, ठीक है। दूसरा काम होता है एंटेना का ऑल्फैक्शन, यानी स्मेल। तो आपने देखा होगा कि मक्खियां अक्सर जो मीठा रखा होता है घर में, स्वीट्स रखी होती है, उड़ के तुरंत से आएंगी और फिर वहां पे ऐसे ऐसे हलवा बनाना शुरू कर देगी, है ना, लड्डू पे आएगी और फिर ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के हलवा बनाना शुरू कर देगी, यही काम है सारी मक्खियों का, ठीक है। आईज, ओके, ब्लू आईज हिप्नोटाइज ये हमारी करती है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो आईज का काम है बच्चों विजन, एंड द मोस्ट ऑफ देम हैव मोज़ेक विजन। क्या है बच्चों, मोज़ेक विजन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मोस्टली ओवीपैरस, यानी ये सबके सब क्या देते हैं बच्चों, अंडा देने में ज्यादा विश्वास करते हैं एज कम्पेयर टू गिविंग बर्थ टू यंग वन। बट इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इसका स्कॉर्पियंस, क्योंकि स्कॉर्पियंस आर ओवोवीविपैरस। क्या होते हैं बच्चों, स्कॉर्पियंस ओवोवीविपैरस होते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे बच्चों, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनसे हम पैसा कमा सकते हैं, तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जहां पैसा बच्चों, पैसा पैसा, ठीक है, पैसा पैसा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं बच्चों, एपिस विच इज हनी बी, बॉम्बिक्स दैट इज सिल्क वर्म। तो आपको पता है सिल्क वर्म से हम सिल्क की साड़ियां बनाते हैं, हनी बी से हम हनी ऑब्टेन करते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए, इट इज अ वेरी गुड इम्यून बूस्टर। सुबह सुबह अगर नींबू पानी में घोल के 1 चम्मच शहद डालेंगे तो आप अपना वजन घटा सकते हैं, मेरा तो आशा घटा नहीं बच्चों, तुम ट्राई कर लेना तुम्हारा घट जाए तो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, वेक्टर्स। वेक्टर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये तबाही मचाते हैं बाय स्प्रेडिंग द डिजीजेस। फर्स्ट है जैसे एनोफिलीज, एनोफिलीज कौन सी बीमारी फैलाती है, मलेरिया, प्लास्मोडियम, एडीज, डेंगी एंड चिकनगुनिया, क्यूलिक्स फ्लाई, फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस। लिविंग फॉसिल, ये वो एनिमल्स है, लिविंग फॉसिल का मतलब वो होता है बच्चों, ये ऐसे एनिमल्स है जिन्होंने वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदला, वक्त के साथ इन्होंने अपने आप को नहीं बदला, इन्होंने कहा वक्त तो चलता जाए बट अपन नहीं हिलेंगे, अपन वैसे के वैसे। यस, बिल्कुल। सो इसका एग्जाम्पल क्या बच्चों, लिमुलस दैट इज किंग क्रैब, ये आपको दिख रहा है किंग क्रैब यहाँ पे, ये इसका एग्जाम्पल है, लिविंग फॉसिल है ये, ठीक है बच्चों। और इसके अंदर क्या होते हैं, बुक गिल्स,
ये कैसे रेस्पायर करता है बच्चों? इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं बुक गिल्स, राइट? ओके, मोलस्का. नेक्स्ट वी हैव मोलस्का विच इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम. क्या होता है बच्चों? ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, राइट बच्चों? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम. अब आते हैं मोलस्का. जब आप मोलस्का को बेटा सोचते हो तो आपको कौन सा एनिमल याद आता है? मुझे तो ये वाला आता है सबसे पहले, स्नेल. यस, क्योंकि बहुत अभी बारिश के दिन है, आपको दिख भी जाएंगे बाहर. आप घर से निकलोगे, बेटा ज्यादा घर से बाहर मत निकलना, कभी पता लगे कि आपने बोलना शुरू कर दिया कि हाँ नहीं नहीं हमारी मैम ने कहा बाहर घूमो. ऐसा नहीं कहा है मैंने, मैं पहले बता रही हूँ तुम लोग को, इल्जाम नहीं लगाना मुझ पे. चलो आओ जरा. टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक यानी ये धरती पे भी रहना पसंद करते हैं, जल में रहना बेहद पसंद करते हैं. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट. और सिलोम कौन सा होगा बच्चों? शाइजोसिलोम. कौन सा होगा बच्चों? शाइजोसिलोम. नाउ बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, अगर बॉडी को देखें बच्चों तो ये तीन हिस्सों में बटी होती है. एक का नाम है हेड, दूसरे का नाम है फुट, तीसरे का नाम है हम. हेड यानी कि पहला पोर्शन जिसके ऊपर टेंटिकल्स होंगे, आंखें होंगी बड़ी बड़ी, ठीक है, माउथ होगा. फुट का काम तो लोकोमोशन होगा, और हम के अंदर होंगे इसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स. क्या होंगे बच्चों? हम के अंदर इसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स होंगे, अनसेगमेंटेड एंड कवर्ड विद कैल्केरियस शेल, ठीक है. तो इनकी बॉडी इतनी बच्चों स्मूथ होती है कि भगवान ने सोचा कि इतने प्यारे प्यारे एनिमल्स हैं, इनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना पड़ेगा बॉस, वरना कोई भी आएगा इनको निगल जाएगा. तो ऐसे भगवान ने इन्हें दिया कैल्केरियस शेल जो इनकी बॉडी के आसपास प्रेजेंट होता है फॉर देयर प्रोटेक्शन. नाउ माउथ कंटेन फाइव लाइक ग्रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड एज रेड्यूला. तो ये बच्चों रेड्यूला है जो एक फाइल लाइक ग्रास्पिंग ऑर्गन है जो इनके माउथ में प्रेजेंट होता है. दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट. ये आ चुका है 2017 में, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि रेड्यूला किस फाइलम में होता है और इसका क्या पर्पस होता है, ठीक है. दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस फाइलम इज फेदर लाइक गिल्स, जिन्हें हम टिनिडियाज बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको बच्चों? टिनिडिया. इस पे भी मैं 3 स्टार मार्क कर रही हूं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, टिनिडिया, ठीक है. तो यहां पे अगर आप टिनिडियाज को देखोगे तो दीज आर द फेदर लाइक गिल्स. और इन गिल्स का दो काम होता है, एक तो रेस्पिरेशन, दूसरा एक्सक्रीशन. और ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? हम्प और मेंटल कैविटी के बीच में. कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चों? हम्प और मेंटल कैविटी के बीच में. एग्जाम्पल इज पाइल एंड ऑक्टोपस. ऑक्टोपस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेविल फिश. क्या बोलते हैं बच्चों ऑक्टोपस को? डेविल फिश. याद रखना, हाँ, बेताल मछली कहते हैं इसे हिंदी में. क्या कहते हैं बच्चों? बेताल मछली. याद रखो ये सब चीजें. बेताल मछली. इकाइनोडर्मेटा. नाउ नेक्स्ट कमिंग टू इकाइनोडर्मेटा बच्चों, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फाइलम. मुझे लगता है कि बाकी सारे फाइलम एक तरफ, इकाइनोडर्मेटा अपने में ही बड़ा मस्त फाइलम है, मस्त मस्त मौला मौला फाइलम है. एक्सक्लूसिवली मरीन. लो भाई, पहला सवाल मैडम ने आपको बता दिया है कि इससे जो सवाल बनता है उसमें एक सवाल तो यही है कि ये एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम है, सिर्फ इसे समुद्री जल में रहना पसंद है. कौन से जल में बच्चों? ओनली समुद्री जल, नो अदर जल, ओनली समुद्री जल, ठीक है. नाउ ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट, प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन. इनके पास भी अपना एक नायाब सिस्टम है जो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो लोकोमोशन में हेल्प करेगा, कैप्चरिंग ऑफ फूड में और रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा. सेक्सेस आर सेपरेट, यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. अगेन बच्चों 3 स्टार मार्क, दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड देव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. एग्जाम्पल इज स्टेरियस स्टारफिश, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर, एंटीडॉन, सी लिली. एंटीडॉन क्या बच्चों? सी लिली. ओके, नाउ यू कैन सी अदर एग्जाम्पल बच्चों. ये है आपका, ये देख रहे हो कुकुम्बर, ये टेंटिकल्स है बच्चों. कितनी प्यारी फोटोज है, देखो ये क्या बच्चों? टेंटिकल्स है, ये सारी टेंटिकल्स. और आपको पता है ये वाला कौन सा एनिमल है? सी अर्चिन. यस, सी अर्चिन. यस बच्चों, एकाइनस कहते हैं इसको. क्या कहते हैं? एकाइनस, सी अर्चिन. इसका बहुत ही प्यारा स्पाइनी शेल होता है. ये बच्चों एस्टेरियस स्टारफिश, ये आपका ब्रिटल्स, ये एंटीडॉन है. दिस इज एंटीडॉन, दिस इज एंटीडॉन. यस, सी लिली बहुत सुंदर है. यस बेटा, द्विजांश पराशर. हे गर्मा क्या होता है बच्चों? हे गर्मा मैम होता है. यस, उस मैम को मत भूलो. यस, चलो आ जाओ जरा. हेमीकॉर्डेट्स बच्चों, हेमीकॉर्डेट्स क्या है? ना ये कॉर्डेट्स है ना ये नॉन कॉर्डेट्स है, ये हेमीकॉर्डेट्स. ये ऐसा फाइलम है जिसे हम एक तरह से कनेक्टिंग लिंक भी बोल सकते हैं.
क्या बोल सकते हैं बच्चों, कनेक्टिंग लिंक भी बोल सकते हैं, बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो दे आर वर्म लाइक मरीन एनिमल्स। पहले तो ये कैसे दिखते हैं, कीड़ों की तरह दिखते हैं, ठीक है, कृमि। हिंदी में वर्म्स को कृमि बोलते हैं, ठीक है। द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमे। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर दिया है टीम। और इनके पास एक्सक्रीशन के लिए होते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड, स्टार मार्क। तो एक्सक्रीशन के लिए होते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेशन बाय गिल्स एंड एक्सक्रीशन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विच इंक्लूड टॉर्नेरिया लार्वा। कौन सा लार्वा बच्चों, टॉर्नेरिया लार्वा, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज बलानोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस, बलानोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस। नेक्स्ट बच्चों कॉर्डेटा। फाइनली 11th नंबर फाइलम पे हम आ चुके हैं, विच इज कॉर्डेटा, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। बच्चों आपको ना एक चीज बहुत ध्यान में देने वाली चीज है कि जितने भी ये मैं चार फीचर्स आपको बताने वाली हूँ, ये हर कॉर्डेट में प्रेजेंट होते हैं, आइदर इन एम्ब्रियोनिक स्टेज और इन एडल्ट फॉर्म, बट होते सब में। अगर आप कहेंगे कि आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है, तो बच्चों आपके पास भी नोटोकॉर्ड था, बट वो नोटोकॉर्ड आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज पे प्रेजेंट था, ठीक है बच्चों। सो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, हैव डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर फैरिंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड परसिस्ट रह सकती है, मतलब नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड ही रहेगी, या फिर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाएगी। अगर नोटोकॉर्ड परसिस्ट है तो उन एनिमल्स को कॉर्डेट्स बोलते हैं, बट अगर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो गई है तो उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वर्टिब्रेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्या शानदार सवाल मैंने तुम्हें बताया, समझ में आया बच्चों? यस, देखो क्या लाइन मैम ने तुम्हें बताई है, ये क्वेश्चन एम्स का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था फ्रॉम एनिमल किंगडम। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, हर एक वर्टिब्रेट कॉर्डेट होता है, बट हर एक कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाए, ठीक है बच्चों? यस, नाउ नेक्स्ट, बायलेटरल सिमेट्री सब में मिलेगी, ट्रिप्लोब्लास्टिंग होंगे, सिलोमेट होंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, वेंट्रल हार्ट, पोस्ट रेनल टेल इज प्रेजेंट। ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका एक्सेप्शन एक ही है, दैट इज यूरोकॉर्डेट्स। क्या बच्चों एक्सेप्शन? यूरोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है बच्चों? यूरोकॉर्डेट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो अगर हम चार फीचर्स की बात करें तो एक है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल इन ओरिजिन, नर्व कॉर्ड एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, और ये बनाएगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पोस्ट एनल टेल, जो टेल प्रेजेंट होगी बच्चों एट द एंड पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड फैरिंजियल गिल स्लिट्स, जो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होगी। केड़ा ओरिजिन बच्चों? केड़ा ओरिजिन? एंडोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। नाउ डिविजन्स ऑफ कॉर्डेट्स, नाउ इफ यू सी द डिविजन, वी हैव थ्री सब फाइलम, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेटा। इन यूरोकॉर्डेट्स द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द लार्वल टेल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट एक नेक्स्ट लेवल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसमें थ्री स्टार लगाते हैं। यूरो का मतलब होता है टेल, कॉर्डेट का मतलब होता है नोटोकॉर्ड। तो यानी कि जो नोटोकॉर्ड लार्वा की टेल में प्रेजेंट होगी एंड एडल्ट इन एंड एब्सेंट इन एडल्ट्स, दिस इज कॉल्ड यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। सेकेंड, इन सिफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, यानी हेड से टेल तक है, and persists throughout the life, this is called cephalocordata. And in vertebrata, notochord in embryonic period which is replaced by vertebral column in the adults, right? Next bachcho, this is again from NCRT. NCRT alert bachcho, NCRT aarambh karne se pehle NCRT ko shuru karte hai, theek hai. Vertebrata has got two division, agnatha means without jaw, which do not have jaw bachcho, कोई जबड़ा ही नहीं होता, सोचो जबड़ा ही नहीं है, ठीक है। गनाथोस्ट्रोमेटा विद जॉस, यस, इनके पास ये जबड़ा होता है। इसमें क्लास आती है साइक्लोस्ट्रोमेटा, साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, स्ट्रोमेटा का मतलब है जॉ, माउथ, सॉरी। तो बच्चों इनका माउथ कैसा होगा? सर्कुलर माउथ होगा। एंड यहाँ पे आते हैं सुपर क्लास पाइसिस, मतलब इनके पास फिन्स होंगे,
टेट्रापोड्स इनके पास लिम्स होंगे। तो क्लास कॉन्ड्रिक्टीज यानी कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्टिक्थीज मतलब बोनी फिशेस, टेट्रापोड्स यानी कि चार लिम्स वाले एम्फीबियन रेप्टाइल एप्स एंड मैमल्स। यू कैन रिमेंबर दिस एज ट्रेक परम 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 पाइसेस एम्फीबियन रेप्टाइल्स एप्स मैमल। तो इस परम में मैं आपको बता दूं बच्चों एक और चीज जो बेहद जरूरी है, जो ये राम है, राम आर एमनियोट्स। यस, ये आपकी ट्रिक टू रिमेंबर है। पहले इन पांचों क्लास को आप याद रखो एज परम, ठीक है, पाइसेस एम्फीबियन रेप्टाइल एप्स मैमल। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से एमनियोट्स है, कौन से एनएमनियोट्स है, तो राम से याद रखो, राम एमनियोट्स होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं, एनएमनियोट्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम ये क्या बता रहे हो, एमनियोट्स और एनएमनियोट्स, हाँ हमें तो यही नहीं पता, पहले ये बताओ। बेटा एमनियोट्स का मतलब होता है जिनके पास एमनियन होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। क्या होती है बच्चों, एमनियन होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। एनएमनियोट्स होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर एमनियन नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल। त्यासा क्या कह रही है, जलपरी कुछ नहीं होता है, बायो क्लास पे ध्यान दो। ओह माय गॉड, मैंने कुछ मिस किया है क्या बच्चों आज की क्लास में, चैट बॉक्स में जलपरी पे कुछ कहानियां घड़ रहे हो क्या तुम, आज बैठ के हवाबाजी कर रहे हो क्या जलपरी को लेके, बताओ जरा मुझे। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है जलपरी को लेके। अच्छा मैम, जलपरी का कौन सा फाइलम होता है, प्लीज आंसर। शिवांश जरूर, जिस फाइलम में शिवांश आता है उसी फाइलम में जलपरी आती है। तो आप शिवांश बता दे तू किस फाइलम में आता है, ठीक है। अगर शिवांश ने मुझे जवाब दे दिया कि वो किस फाइलम में आता है, उसी फाइलम में जलपरी आती है, तो बच्चों समझ जाओ कि आज जलपरी जलपरा सब पता चल जाएगा, ठीक है। नालायको, जलपरी जलपरा बना दिया तुमने। तो शिवांश मैं तेरे जवाब का इंतजार कर रही हूँ कि जलपरा और जलपरी किस में मिलते हैं, ठीक है, यस। चलो आओ मेरे नालायको, देखो इधर, साइक्लोस्टोमेटा एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। तो यानी कि ये सब की सब क्या है बच्चों, एक्टोपैरासाइट्स होती है, दे आर पैरासाइट्स ऑन द स्किन ऑफ द फिशेस, ठीक है बच्चों, यस yes. अच्छा डॉक्टर आर्यन एक और आंसर लेकर आया, हाइपोथेसिस लेके आया, पाइसिस प्लस मैमल। तो वो कह रहे हैं कि मैम ये एक विचित्र एनिमल है जलपरा जलपरी, जो पाइसिस और मैमल के मिलन से बने। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, क्या बात है, तुम लोग के हाइपोथेसिस नेक्स्ट लेवल की होती है, इसी तरीके से तुम बनोगे मेरे प्यारे डॉक्टर्स। चलो आज आप पढ़ते हैं एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। बच्चों एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या है, स्किन के बाहर, बॉडी के बाहर पैरासाइट्स होंगे, ठीक है। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, सो यू कैन सी द जॉ हियर, इनका जॉ सर्कुलर होगा और बच्चों सकिंग टाइप होगा, ठीक है। बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, यानी कि बिल्कुल स्मूथ होगी स्किन, चिकनी, ठीक है, विदाउट स्केल्स। गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन, दे विल हैव गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। क्रेनियम वर्टिब्रल कॉलम इज कार्टिलेजनस, तो जिनका वर्टिब्रल कॉलम होता है वो बच्चों कार्टिलेजनस होता है। सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप मरीन बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग एंड डाई आफ्टर फ्यू डेज, लार्वा रिटर्न टू सी वाटर आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। बच्चों यस बिल्कुल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों ये जो हमारी मरीन फिशेज होती हैं वो क्या करती है, माइग्रेट करती है फ्रेश वाटर में फॉर स्पॉनिंग। क्यों जाती है फ्रेश वाटर में, अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए, ठीक है। और फिर जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वो वापस अपने घरों में लौट आते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। एंड दिस इज सीन इन केस ऑफ लैम्प्रे, सीन इन केस ऑफ लैम्प्रे, नॉट इन केस ऑफ मिग्जीन। मिग्जीन में नहीं मिलता है माइग्रेशन, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे में हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल सही। आजकल ना मैं देख रही हूँ बच्चे बड़ा लिखते हैं कि रोस्ट हो गए, रोस्ट हो गए, ये सब क्या लगा रखे तुम लोगों ने, बहुत ज्यादा तुम देख रहे हो आजकल YouTube की वीडियोस, हाँ मेरी जल परी जल परो। चलो कॉन्ड्रिक्टीज, अब आते हैं बच्चों कॉन्ड्रिक्टीज में, बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्ड्रिक्टीज, क्यों, क्योंकि कार्टिलेजनस फिशेज है और मछलियों से नीट वालों को अलग ही प्यार है। एक चीज तो मैं आपको बता दूं बच्चों, मछलियों से अलग ही प्यार है नीट वालों को, हर साल एक क्वेश्चन आना ही आना होता है, गारंटी ले सकती हूँ मैं इस चीज की, अलग ही लेवल का प्यार है, एक ना एक क्वेश्चन बना देंगे। क्वेश्चन क्या बनाते हैं कई बार कि बताओ कौन सी मछली में ओमेगा एसिड ज्यादा है, हमें क्या पता। हमें तो पता है कि मार्केट से वो कैप्सूल आते हैं सी कॉड लिवर ऑयल के, वो खा लो ओमेगा एसिड मिल जाएगा। अब किस मछली से लेके आ रहे हो यार, ये हमको थोड़ी पता है। हाँ उनको अलग ही प्यार है बच्चों, तो उनके प्यार की इज्जत करते हुए बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से करना है, ठीक है। दे आर मरीन,
मतलब कि सिर्फ समुद्री जल में मिलती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, यानी इनमें आपको बोन्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ कार्टिलेज मिलेगी, बट दिस कार्टिलेज वुड बी टफ, ऐसी नहीं कि गिलगिली टाइप होगी, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज है, ठीक है बच्चों। नाउ बच्चों, गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ओपरकुलम, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगे विदाउट ओपरकुलम, क्योंकि ओपरकुलम क्या होता है, कवरिंग ऑफ गिल्स, कवरिंग ऑफ गिल्स, तो इनके पास गिल्स की कवरिंग नहीं होती है, तो इसलिए दे आर विदाउट ओपरकुलम। दे हैव पावरफुल जॉज एंड आर प्रेडेटर्स, क्योंकि इसमें आती है शार्क्स, ना ना जल परी नहीं आती, शार्क्स आती है बच्चों, शार्क्स आती है, ठीक है। एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, तो इसलिए इन्हें हमेशा स्विम करते रहना होता है, वरना मछली भी डूब सकती है। सोचो पानी में रहती है, कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, वरना डूब सकती है मछली, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब कि यूनिसेक्सुअल होती है ये। मेल्स हैव पेल्विक फिन्स व्हिच बियर क्लास्पर्स, इंपॉर्टेंट लाइन, नीट अलर्ट, नीट अलर्ट बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों, क्योंकि क्लास्पर्स जो मेल के पास होते हैं, दिस हेल्प्स इन इनसेमिनेशन, तो अगर इनसेमिनेशन फीमेल सिस्टम के अंदर होगा, इट विल शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कौन सी फर्टिलाइजेशन बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड मैनी आर विविपैरस, जो हमारी शार्क्स होती है बच्चों, वो क्या होती है, विविपैरस होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इज प्रेजेंट इन टॉर्पीडो, बेटा करंट मारती है, क्या मारती है, करंट, छुओगे ना करंट मार देगी, तो इसे छूना मत इसको, ठीक है। पॉइजनस स्टिंग ट्राइगन, डंक मारती है, ठीक है, तो पास मत जाना, डंक मार देगी, ठीक है, इसके पास नहीं जाना, ये करंट मार देगी, इसके पास मत जाना, ये डंक लगा देगी, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों, वी हैव सम एग्जांपल्स, कॉलोडॉन व्हिच इज कॉल्ड एज डॉग फिश बिकॉज इट हैज अ हाई सेंस ऑफ स्मेल, बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, ऐसे नहीं कि ये डॉग की तरह दिखती है, सेंस ऑफ स्मेल के कारण। कार्केरिडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ये आपको दिख रही है, बड़ी तगड़ी प्रेडेटर होती है बच्चों, यस। अरे तुम लोग अलग ही जलपरा जलपरी चला रखा है ना लायको, यस। ऑस्टिक्थीस, नाउ कमिंग टू ऑस्टिक्थीस बच्चों, ये बोनी फिश होती है, जो भी हमने अब पढ़ा उसका सारा ऑपोजिट हमें यहाँ पे पढ़ना है। ये मरीन फ्रेश वाटर दोनों में रहना पसंद करती है। गिल्स आर कवर्ड बाय ओपरकुलम, दे डू हैव ओपरकुलम, दे ऑल्सो हैव एयर ब्लैडर, सारे थ्री स्टार है बच्चों, थ्री स्टार। अगर आपने ये नोट्स ले लिए जो टेलीग्राम ग्रुप या कम्युनिटी पेज पे आपको अवेलेबल होंगे, तो आई थिंक दिस वुड रियली हेल्प यू, ठीक है, यस। तो बच्चों एयर ब्लैडर, हाँ नैंसी आई लाइक दैट, नैंसी आई लाइक दैट। तो एयर ब्लैडर जो है बच्चों, ये हेल्प करता है बॉयंसी में, इट मेंटेन्स बॉयंसी, तो जब तक रहेगी बॉयंसी मछली डूबेगी नहीं। तो कुछ ऐसी मछलियां हैं जो स्विम ना करने पे भी नहीं डूबती है बच्चों, कुछ ऐसी मछलियां हैं जो अगर स्विम नहीं करेगी तो धाए डूब जाएगी, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल बट दे आर ओविपैरस, मतलब कि ये सब थ्रू एग्स रिप्रोडक्शन शो करते हैं, राइट बच्चों, ओके। ऑस्टिक्थीस के एग्जांपल देखते हैं बच्चों, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा। अच्छा एक बात बताओ, दरियाई घोड़ा क्या होता है फिर? आज तुम्हारी हिंदी पर अटैक करती हूँ बच्चों, अगर सी हॉर्स समुद्री घोड़ा है तो दरियाई घोड़ा क्या होता है, व्हाट इज दरियाई घोड़ा बताओ जरा। दरियाई घोड़ा क्या है फिर? हिप्पोपोटामस, बताओ बताओ, हाँ हाँ आई एम वेटिंग फॉर योर चैट बच्चों, बताओ क्या होता है। नहीं समुद्री घोड़ा तो मैंने ही बता दिया। अच्छा जानवी शर्मा पूछ रहे व्हाट इज बॉयंसी, बच्चे ये तो आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, यस बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही बताता है ना, एक बार बता दो मैम की भी अब नॉलेज थोड़ी वीक हो गई है बच्चों, यस। नाउ एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, यानी बच्चों ये थोड़ा ग्लाइड करती है, एंड लेबियो, वी हैव कतला, क्लेरियस, ये सब खाई जाती है बहुत अच्छे से हमारे इंडिया में, दीज आर कॉल्ड कॉमन कार्प्स, ठीक है। नॉट टेट्रापोड्स, बच्चों देखो यहाँ पे एक टेबल आपको दे दिया टेट्रापोड्स की, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स एंड मैमल्स, तो यहाँ पे इनके मेन फीचर्स है, तो इनको एक एक डिस्कस करने से अच्छा है वी कैन टेक अ टेबल हियर, राइट बच्चों। एम्फीबिया, आपको पता ही नहीं एम्फीबियंस क्यों कहते हैं, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव इन बोथ लैंड एंड ऑन वाटर, ठीक है। टू पेयर ऑफ लिम्स होते हैं बच्चों, मॉइस्ट स्किन होती है, अगर आपने कभी मेंढक पकड़ा है तो आपको पता होगा कि उसकी स्किन मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल्स होती है। गिल्स, स्किन और लंग्स के थ्रू ये रेस्पायर कर सकते हैं। थ्री चेम्बर्ड इनका हार्ट होता है, एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड, यानी बाहर जैसा तापमान होगा वैसे बॉडी का तापमान भी होगा। ओविपैरस होते हैं ये, एन एग्जाम्पल आर राना, सैलामैंडर एंड हाइला। हाइला इज कॉल्ड एज ट्री फ्रॉग, क्या कहते हैं बच्चों, ट्री फ्रॉग, यस बिल्कुल। नाउ रेप्टीलिया, मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स,
ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब इन्हें धरती पे रहना बेहद पसंद है। लिम्स टू पैर, अरे बच्चों छिपकली याद कर लो यार, रेप्टीलिया सुनते ही छिपकली याद कर लिया करो, सारी चीजें तुम्हें पता चल जाएगी, ठीक है। ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती है, आपको पता है बिल्कुल मॉइस्चरलेस स्किन होती है छिपकली की। अब जाके उसे निविया का मॉइस्चर मत लगा देना कि मैम ने बोला है कि तुम्हारी स्किन बड़ी ना रफ सी हो रही है छिपकली, लाओ तुम्हें आप लगाएं निविया का मॉइस्चराइजर, ये सब मत करना बैठ के, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, यस रेस्पिरेशन बाय लंग्स होगा क्योंकि पानी में तो रहती नहीं है। एंड हार्ट इज थ्री चेंबर्ड, बट इसमें एक एक्सेप्शन है बच्चों, क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स आपको पता है बेहद आलसी होते हैं, अंटिल अनलेस उन्हें सामने दिख रहा हो कोई बढ़िया सा खाने का आइटम, ठीक है। तो क्रोकोडाइल्स का फोर चेंबर्ड हार्ट होता है बच्चों, ओविपैरस होते हैं, कैमिलियन, क्रोकोडिलस, नाजा। नाचा नाजा गाना नहीं है बच्चों, नाजा नाजा आपका कोबरा है, ठीक है। डांस मत करने लगना, नाजा नाजा आपका सॉन्ग तो है ही, बट यहां पे हम कोबरा की बात कर रहे हैं। क्रोकोडिलस मतलब कि आपका क्रोकोडाइल, और कैमिलियन माने आपका ट्री लिजर्ड, ठीक है। यस देन यू हैव बच्चों एप्स, यानी कि आपके प्यारे प्यारे पक्षी जोड़ते हैं हवा में, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फेदर्स फॉर फ्लाइंग, ठीक है बच्चों, फेदर्स होते हैं इनके पास जो इनका जो मेंटेन करके रखता है इनका बॉडी टेम्परेचर। देन दे हैव फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ये विंग्स ये बच्चों जिससे ये उड़ते हैं, ठीक है। यस एब्सोल्युटली, ठीक है। स्किन इज ड्राई लाइक पिजन, बेटा पिजन तो तुमने जरूर देखा होगा यार, कबूतर हर जगह है। तुम अगर तुमने नहीं देखा तो आज अपने घर के एसी के ऊपर देख लेना, ठीक है। एसी के ऊपर ना मिले तो अपने घर की जो बालकनी है वहां देख लेना, कहीं ना कहीं घोंसला पक्का बनाए होंगे बच्चों, तुम्हारे घर पे नहीं तो पड़ोसी के यहाँ पक्का बनाए होंगे। एसी के ऊपर तो फेवरेट प्लेस है, हाँ एयर कंडीशन के ऊपर इनका फेवरेट प्लेस है, ठीक है। या फिर जो छोटी छोटी वो होती है ना हम अपनी बालकनी के ऊपर लगवाते हैं शेड, हाँ उसके ऊपर भी घोंसला बनाया होगा, देखना तुम। हाँ बिल्कुल ड्राई होती है इनकी स्किन बिल्कुल। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, हार्ट इज फोर चेंबर्ड, वार्म ब्लडेड, ठीक है बच्चों। देन ओवीपैरस, यस दे आर ओवीपैरस, यू नो पीपल ईट लॉट ऑफ ऑमलेट्स बिकॉज दे हैव अ कैलकेरियस एग विच दे ले, ठीक है। यस नाउ मैमल्स, कमिंग टू द मैमल्स जिसपे हम आ रहे हैं, अभी तक शिवांश ने मुझे बताया नहीं यार। यस बिल्कुल, आप ना बच्चों आपने मेरे को अभी तक शिवांश मुझे ये नहीं बताया कि वो जलपरा है जलपरी है, वो कहाँ से आया है। मैं शिवांश से आज टेलीग्राम पे बात करूंगी, बेटा तू जल्दी से बता, फिर मैं कल खुलासा करती हूँ एनिमल किंगडम के टेस्ट में, ठीक है। मोस्टली टेरेस्ट्रियल, अ फ्यू कैन फ्लाई, लिव इन वाटर, टू पेयर ऑफ लिम्स, स्किन पोजेसेस हेयर, मेमरी ग्लैंड इज प्रेजेंट टू प्रोड्यूस मिल्क, एंड रेस्पिरेशन बाय लंग्स, हार्ट फोर चेंबर, विवीपैरस और ओवीपैरस। ओवीपैरस का बच्चों एक ही एग्जाम्पल है प्लैटिपस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एस ऑर्निथोरिंकस, इसे एक और नाम से जानते हैं हम, ऑर्निथोरिंकस के नाम से, ठीक है बेटा। एनजे प्रसाद, बाय गॉड अगर तू यहाँ पे होता ना ये तेरे को लग जाता। कैमल डॉग ब्लू व्हेल, सही में बच्चों कैमल डॉग एंड ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल आपको पता है बच्चों सबसे हैवीएस्ट मैमल है, काफी भारी होती है बच्चों, बेलेनोप्टेरा कहते हैं इसको, ठीक है। और प्लैटिपस क्या है, ऑर्निथोरिंकस, प्लैटिपस ओवीपैरस, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो आओ बच्चों इन ब्यूटीफुल एनिमल्स की फोटो देखते हैं, ठीक है। एम्फीबिया, तो ये आप देख सकते हो, ये तो कंकाल है बच्चों, ये इक्टियोफिश है। आहा अगेन बच्चों यहाँ पे मैं 3 स्टार मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। इक्टियोफिश इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिम्बलेस एम्फीबियन, क्या कहते हैं बच्चों, लिम्बलेस एम्फीबियन, ठीक है बच्चों। यस इक्टियोफिश को हम लिम्बलेस एम्फीबियन भी कहते हैं। एंड बच्चों इसी के साथ साथ जो इसके स्केल्स होते हैं वो अंडर द स्किन होते हैं, स्केल्स अंडर द स्किन, ठीक है। यस बच्चों नाउ वी यू कैन सी दिस इज सैलामेंडर एंड दिस इज योर ट्री फ्रॉग विच यू कॉल हाइला, ठीक है। हाँ बच्चों लिम्बलेस वैसी दिखती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, ये देखिए ये आपका कैमिलियन है, ये नालायक सी कोमोडो ड्रैगन है, ये महा नालायक एक और लिजर्ड है, ये बेटा ये भी कुछ स्नेक जैसा ही दिख रहा है, स्नेक का बच्चा होगा मे बी, ये भी एक लिजर्ड ही है, और ये लिजर्ड का दूसरा व्यू है। वाओ वी हैव गॉट लॉट ऑफ व्यूज ऑफ द छिपकलीज, ठीक है। यस एव्स बच्चों, ये सारे पक्षी आपके रंग बिरंगे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पक्षी आजकल तो मौसम में आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा बच्चों। शिवम बच्चा तू स्पैम मत कर इस चीज के लिए, तू ब्लॉक हो जाएगा, वैसे आजकल बच्चे ब्लॉक हो जा रहे हैं, है ना शिवा। शिवा साक्षी से पूछो, कुछ ना करते हुए बेचारे ब्लॉक हो गए थे।
एव्स बच्चों, यस, तो एव्स देख सकते हैं आप कितने सुंदर सुंदर पक्षी है बच्चों. हियर यू कैन हैव अ लुक ऑफ देम. देन यू हैव मैमेलिया. बेटा एक से नया फोटोज है और इसमें ह्यूमंस बेस्ट लग रहे हैं. यू कैन सी बच्चों, तो ये आपके कुछ मैमल मछली है जो आपके जल में रहती है बच्चों. ठीक है, ये श्रू जैसा लग रहा है. ये आपका जेब्रा है एंड ये आपका पांडा लग रहा है मुझे. ये एलिफेंट है बच्चों. ये आर्माडिलो लग रहा है. आर्माडिलो, यस, ये आर्माडिलो लग रहा है. ये तो कंगारू है, कैंगरू. ठीक है, ये चमगादड़ है. ये चमगादड़ है. ये चमगादड़ का चेहरा है. पक्का पक्का ये चमगादड़ का चेहरा है बच्चों. यस, बिल्कुल. चलो इसी के साथ बच्चों आज का चैप्टर तो हुआ एक कंप्लीट. अब हम नेक्स्ट चैप्टर आपको पता है सेल यूनिट स्टार्ट करेंगे. बायो मॉलिक्यूल, सेल, सेल साइकिल, वो पूरी यूनिट हमें स्टार्ट करनी है. और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी है, कॉकरोच भी है. ये सब हम एक एक करके करेंगे. कल टेस्ट में मुझे 9 बजे सारे बच्चों की फुल अटेंडेंस चाहिए. बेटा ये परफेक्ट प्लान है. एक दिन पढ़ो, एक दिन हम रिवाइज करेंगे. इससे आपको भी टाइम मिलेगा. ठीक है, हम आपको भी बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं करना चाहते हैं. जस्ट गिव इट अ पेस, एक प्यारा सा एक पेस पकड़ो और फिर उसकी तैयारी करो. उसका अलग ही मजा है, आनंद अलग है बच्चों उसका. सो सबस्क्राइब करना मत भूलना. किस चैनल को? वेदांतु नीड मेडी जी चैनल को. फॉर योर लवली जी स्क्वायर एंड शी विल बी बैक इन एक्शन टुमारो 9 o'clock ऑन सैटरडे. ठीक है बच्चों. अरे बच्चों ये देखो, ये क्रैश कोर्स है तुम्हारा, बन है ले लो. फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11 12 पूरा. इसमें मैं भी पढ़ाती थी पहले, अभी पता नहीं नए बैच में मैं हूँ या नहीं. इवन आई डोंट नो अबाउट दैट. ठीक है, एंड बच्चों कोई भी क्वेरीज है डू नॉट हेजिटेट टू मेल अस ऑन आर ईमेल आईडीज. ठीक है, एंड बच्चों ये अपने जूनियर्स को बताओ यार, हेल्प देम यार, इतना तो कर सकते हो, है ना, मचा दो अच्छा इतना तो. ये आपके जूनियर्स हैं, जूनियर्स को करो, उन्हें बताओ प्रो सब्सक्रिप्शन. मैं बैचेस ले रही हूँ 3-3, उन्हें बताओ जी स्क्वायर से पढ़ो. यस, एंड बच्चों यूजर्स चॉइस अवार्ड वेदांतों को मिला है क्योंकि वी आर द बेस्ट. राइट बच्चों, वी आर द बेस्ट. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो फटफट से सारे नोटिफिकेशन के लिए. लाइक करना मत भूलना, कंजूसो. यस, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, महाकंजूसो. और सब्सक्राइब नहीं किया तो पिटाई. ठीक है, चलो बाय बाय, अल्लाह हाफिज बच्चों. कल मिलते हैं विद अनदर शो. बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय.